दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में त्यागी समाज धरना दे रहा है, सड़क पर जाम कर दिया है। एक फ्रिज में इंसान का सिर रखा हुआ है जिसको धड़ से अलग कर दिया गया है। डीएम एसएसपी सहित बड़े अफसरों को उस गांव में हाजिरी लगानी पड़ रही है। त्यागी समाज को मनाना पड़ रहा है लेकिन त्यागी समाज मानने को तैयार नहीं है। आखिर वो सिर किसका है? उस सिर को गांव वाले क्यों रखे हुए हैं? उस सिर को किसने तन से जुदा किया? हमारे रिपोर्टर उस जगह पर गए जहां पर सिर रखा हुआ है, उस जगह पर भी गए जहां पर सर तन से जुदा किया गया। आखिर वो कौन है खंजरधारी, देखिए इस रिपोर्ट में। सात दिन बाद दीपक त्यागी का सिर इसी खेत से, इसी गड्ढे से मिला, जैसा पुलिस दावा कर रही है। और अब उसी सिर को लेकर मेरठ का त्यागी समाज धरने पर बैठा है। परिवार वालों के साथ खजूरी का त्यागी समाज आरोप लगा रहा है कि पुलिस मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। दरअसल 27 सितंबर को दीपक त्यागी का शव खेत में मिला जिसका सिर धड़ से अलग था। सात दिन बाद यानी 2 अक्टूबर को दीपक का सिर भी खेत से मिला। सिर को बोरे में रखकर गड्ढे में गाड़ दिया गया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में फहमीद और आसिफ को गिरफ्तार किया है। जिस तलवार से दीपक त्यागी का सिर धड़ से अलग किया गया था वो भी बरामद कर ली गई है। इंडिया टीवी की टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जिस खेत से दीपक त्यागी का धड़ और फिर बाद में सिर बरामद हुआ। अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है, यहां से पुलिस ने कुछ दिनों के बाद दीपक त्यागी का जो सर है वो यहां पर बरामद किया, जो कि एक खड्डे के अंदर जो है वो यहां पर दबाकर रखा हुआ था। पुलिस ने इस मामले के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये दावा है कि एक मुस्लिम लड़की से दीपक त्यागी के संबंध थे जो कि शादीशुदा थी, और इसी वजह से उसके पिता ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दीपक त्यागी की हत्या कर दी और इस तरीके से निर्मम हत्या की। कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत त्यागी। प्रशांत, ये बताइए कि कब का ये पूरा मामला है और इस खेत में जहां पर हम मौजूद हैं कब पता लगा कि वहां पर धड़ है और फिर सर कितने दिनों बाद मिला? ये 25 तारीख का मामला है और 25 तारीख में यहाँ पर मतलब जैसे आदमी निकल रहे थे किसी ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है, गर्दन कटी हुई, और फिर गांव इकट्ठा हुआ, हमें भी सब आवाज लगी तो आए के देखा तो कुछ ही दूरी पर वहाँ उसकी गर्दन नहीं थी, शरीर था। अब सर मतलब गर्दन नहीं थी, पूरा यहाँ से कटा हुआ था। अब शरीर है तो पता पहचानने में नहीं आ रहा था। तो जैसे यहाँ आसपास के खेत हैं, उनके परिजन आए, उनके पिता आए जो दीपक त्यागी के पापा हैं, वो अंकल जी आए, उन्होंने उनके उसके लड़के के चोट लगी हुई थी दीपक भाई के, और यहाँ जो है टाके भी थे तो उससे पहचान लिया। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दीपक त्यागी की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है। फहमीद की शादीशुदा लड़की के साथ दीपक त्यागी के संबंध थे। फहमीद ने कई बार दोनों को देखा, मना करने के बाद दोनों नहीं माने। उसके बाद फहमीद ने अपने दोस्त के साथ दीपक की हत्या कर दी। थाना परिषदगढ़ के अंतर्गत एक खेत में एक युवक की लाश मिली थी जिसकी पहचान बाद में दीपक नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। पुलिस द्वारा घर वालों से वार्ता के आधार पर इसमें एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, और इसमें जो पूरा पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार ही विवेचना चल रही थी और अभियोग के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी। इस पूरे प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि फहमीद और आसिफ नाम के 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा दीपक नाम के जो दीपक व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी गई थी। जो हत्या का जो कारण निकल गया उसमें फहमीद ने बताया कि उसकी एक 19 वर्षीय शादीशुदा लड़की है और एक बार उसने दीपक और अपनी लड़की को उसमें आपत्तिजनक स्थिति में अपने घर में पकड़ लिया था और उसके बाद से हिदायत दी थी कि वो दोबारा ऐसा ना करे, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद फिर से वो स्थिति दोबारा से उत्पन्न हुई और उसके बाद इसने अपना मन बनाया कि वो दीपक की हत्या करेगा और अपने साथ इसने आसिफ के साथ तलवार से उसकी हत्या करके जो शव का जो सिर होता है उसको वहाँ से 5-6 खेत जहाँ पे युवक का जो शव है बरामद हुआ था वहाँ से 5-6 खेत दूर उसका जो सर है उसको एक बैग में एक जो कट्टा होता है बोरे में उसमें रखकर उसको गाड़ दिया था।
दीपक त्यागी के पिता और खजूरी के त्यागी समाज को पुलिस की दलील पर एतबार नहीं है। गांव वाले पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। खजूरी में रात से रोड जाम करके प्रदर्शन शुरू हो गया है। एसडीएम साहब एक बात मुझे बता दो, सर भी जो है हिंदू का कटेगा और आरोप भी हिंदू पे लगेगा, मतलब लड़की का लांछन के अलावा और कुछ नहीं मिला तुम लोगों को अधिकारियों को लगाने के लिए? जैसे हत्याकांड हुआ उसमें तुमने उस लड़के 5,000 रुपए का वो लगा दिया एलिगेशन, वो 5,000 की वाई करने सर्टिफिकेट गया था मेडिकल का मामला, 2 महीने नहीं हुए, लाश मिली नाले में उसकी बोरी में, दोनों का लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भेजेंगे जब उठेंगे, और ये जो दीपक का सर रखा हुआ है इसका भी दाह संस्कार जब ही होगा जब सारी मांगे पूरी होंगी, उससे पहले आज उठेंगे नहीं, चाहे कल सुबह हो जाए परसों रात हो जाए चाहे 2 दिन रहे, चार दिन रहे, सड़क जाम रहेगा। और दूसरी बात मैं सोच रहा हिंदुओं में ना मर्द है, सारे मर्द खड़े हैं, एक भी ना मर्द नहीं है, जेल भी चले जाएंगे, मुकदमे भी ले लेंगे, पर हिंदुओं की दूसरी गर्दन उत्तर प्रदेश में कट रही देने के जात निकलो मेरे। रात में शुरू हुआ प्रदर्शन दिन में बदस्तूर जारी है। सड़क के बीचों बीच गांव और आसपास के त्यागी समाज इकट्ठा हो गया है। फ्रिज में दीपक त्यागी का कटा हुआ सिर रखकर प्रदर्शन कर रहा है। दीपक त्यागी के पिता धीरेंद्र त्यागी बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए धरना कर रहे हैं। वो उस पल को याद करके रोने लगते हैं जब उनका बेटा ये कहकर गया था कि वो जंगल जा रहा है, लेकिन वो फिर कभी नहीं लौटा। 26 तारीख को जो है बच्चा है हमारे जंगल गया था 12 की तरफ, गांव के बराबर में मेरी जमीन है उधर, तो यहाँ से वापसी नहीं आया, मैं देखने भी गया तो मुझे मिला नहीं वहाँ, तो 27 तारीख की सुबह को पता चला हमारे दूसरे जंगल में, उधर भी हमारा जंगल है तो उससे 2 खेत हो रहा है कि किसी बच्चे की वहाँ लाश पड़ी है जिसकी उम्र 18 से 20 साल के करीब है और उसकी उंगली में चोट लग रही है और उसका सर है नहीं, तो हम जो है अपनी हमने परचून की दुकान कर रखी है गाँव में, वहाँ खड़े थे तो बहुत सारे लोग वहाँ बता रहे ऐसे ऐसे बात होगी, हम तो जंगल था देख दाख के, फिर सुबह भी फिर जो है किसी ने उसका फोटो खींच कर उगेड़ दिया उस पर फोन पे, तो मेरा बड़ा बेटा था उनने उसकी किल्ली निकल गई, वो बोला पापा ये तो मेरा भाई है। फिर हम सब लोग वहाँ चले गए तो वहाँ जाकर देखा तो हुई तो उसके यहाँ लंगूर ने काट लिया, तो वे टाँक के बसे थे 52 और उंगली की चोट से उसके शरीर से हमने से पहचान लिया। वहाँ जो है कई सौ बीघे जंगल में पब्लिक थी बहुत, 1,000 आदमी सबने ढूंढा, कहीं उसका सर नहीं मिला। दीपक का सिर धड़ से जुदा शव 27 सितंबर को मिला। पुलिस ने दीपक के सिर को बहुत तलाशा, गांव वालों ने भी तलाशा लेकिन नहीं मिला। दीपक का सिर 2 अक्टूबर को मिला, लेकिन पुलिस जो थ्योरी दे रही है दीपक के पिता को उस पर रत्ती भर यकीन नहीं है। 2 तारीख को इसकी रस्म की उठी अदायगी की गई उसकी मुंड की, तो इन लोगों ने जो है फिर हमने जो है जब कुछ नहीं हुआ तो ये सब लोग आए, तो मांगेराम भाई जी ने इन्होंने 4 बजे का अल्टीमेटम दिया कि कोई जब तक अधिकारी नहीं आया तो हम रोड पे जाम लगा देंगे। तो जब हम धमा से उठ लिए तो जब एसपी साहब आए वहाँ और कोई नहीं आया, फिर हम लोग यहाँ आ गए तो इन्होंने यहाँ उठाएंगे नू करेंगे वो करेंगे, तो ये जो है 4 घंटे ऐसे फिर उछलता रहा और ये बोले नुके हमें तुम 2 दिन का टाइम दे दो हम सर बरामद कर देंगे, ऐसी बात होती रही जी, फिर वे बोले हम 24 घंटे का समय दे दो हम 24 घंटे में कर देंगे, तो हम बोल रहे कि तुम 24 घंटे नहीं तुम 48 घंटे का समय लो पर हमें सर उसका बरामद चाहिए और मुलजिम पकड़ा होना चाहिए। नो ठीक है, तो उसी रात को इन्होंने एक वहाँ जिस खेत में हमारे गांव के लोग उसी भी दिन यानी 2 तारीख को दोपहर को 2 बजे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें यहाँ बुला के भी बतवा देंगे कि उसमें 20-25 लोगों ने फिर देखा, एक ही बड़ा खेत है ये बहुत बड़ा प्लॉट होता है, तो वे 15 बीघे जमीन है उसमें 3 टुकड़े कर रखे हैं, एक में गन्ना खड़ा उसमें बॉडी मिली, एक 5 बीघे धान है फिर गन्ना है फिर उसकी पहली क्यारी में यानी कि 80 मीटर सब उसकी धड़की और इसकी जो है दूरी थी नहीं, और रास्ते से दोनों चीज़ जा जाते 10 मीटर दूरी पे, तो डोगी गांव तक तो आ सकता है, जब वह इसका लोथड़ा पड़ा था सिर का तो डोगी उधर क्यों नहीं गया है? चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने जो है फिर उस हमें 4 बजे आए
उसी रात को जब इन्होंने हमने 48 घंटे का समय दिया है ना, और हमें उठा के लेके घर से बोले चलो और अपने बेटे को भी ले लो, हमें नहीं पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमने कि चलो हम चले गए बैठ के। तो इन्होंने जो है उसी रास्ते पर हमें उतारा, तो वहाँ इन्होंने एक लड़का खड़ा कर रखा था जो 6 दिन पहले इन्होंने पकड़ा हुआ था, तो नट जाति का लड़का फहमीद उसका नाम है, तो उस लड़के को इन्होंने 6 दिन पहले ही पकड़ लिया था और उसे खड़ा कर रखा था। इन्होंने उसे मनगढ़ंत कहानी इन्होंने बता दी उसे, और सर पता नहीं कहाँ से लाए और इतना सा गड्ढा खोदा, मैंने वहाँ सब लोगों ने देखा, मैंने क्या देखा बहुत, फिर कल भी वहाँ जो है हजारों आदमी गए तो उसे देखा भी, तो ऐसा कुछ प्रतीति नहीं हो रहा कि इसमें सर दबा या सर दब सकता है, अगर सर को मुंडी को नू भी रख दे मैं तो फिर भी उसकी इतनी खोपड़ी बाहर निकल जाएगी, और जो कट्टे में रखेंगे तो सारी निकल जाएगी। पुलिस ने तो दीपक त्यागी हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया है, हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन गांव के लोग हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम करके बैठे हैं। गांव के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए खुद मेरठ के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। दीपक त्यागी के पिता की ओर से मांगेराम त्यागी सहित कई लोगों ने जिला अधिकारी के सामने मांग रखी, ज्ञापन सौंपा। दीपक हत्याकांड की जांच सीबीआई या एनआईए करे, सीबीआई या एनआईए जांच की संस्तुति तक बागपत जिले के एसपी नीरज जादौन करे जांच, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन हो, परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और सुरक्षा कर्मी भी दिए जाएं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के तेवर भी काफी सख्त दिखे, मांगेराम त्यागी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अगर यहाँ जिलाधिकारी जनपद मेरठ अगर कुछ बोल कर जा रहे और कप्तान साहब, तो हमें पूर्ण आशा है इशारा कर दियो कि कल को जो ना दिखे यही भीड़ होगी, और वो होगी कोई खाम खाम तुम्हारे लिए भी सिर दर्द बढ़ना और ये लोगों को बहुत बड़ा इसमें कोई डिसीजन हो जाएगा। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया है। दीपक त्यागी हैं जिनकी हत्या हुई थी, और उनका जब इसका खुलासा हुआ केस का, तो यहाँ पे जो परिवार वाले हैं और बाकी जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे, उनके द्वारा ये कहना था कि हमें हमारे हिसाब से ये सही तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और हमें इस पे भरोसा नहीं है, तो उन लोगों की अपनी डिमांड्स थी। उन्होंने एक ज्ञापन आज मुझे और कप्तान साहब को दिया है जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी ये डिमांड्स हैं और इन पर 8 तारीख तक विचार किया जाए, तो हम लोगों ने वो ज्ञापन ले लिया है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और हम लगातार परिवार से भी और लगातार सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि पर्पस सबका यही है कि न्याय हो और सही हो चीजें। दीपक त्यागी का शव जिस हालत में मिला था उसने बड़े सवाल खड़े किए थे। सिर तन से जुदा किया गया था, मामले में जो आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। हंगामा और नारेबाजी खूब हो रही है। लेकिन मामला घूम फिर कर जातीय अस्मिता पर आकर टिक गया, वोटों की बात होने लगी। खुद सुनिए मांगेराम त्यागी क्या कह रहे हैं। दे रखी तुम्हें डाइट वोट दे के समाज ने, आज ये पूरा सर समाज बैठा है यहाँ चीज में, जाट गुज्जर त्यागी कश्यप और ऐसी सब टोटल एक डब्बा है ब्राह्मण, तो सभी लोग उद्विलित है और हम माननीय योगी जी से एक मांग कर रहे, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। जब गद्दड़ के मेड़े दिन आवो तो वो गांव के सामने भाग गए। इस बच्चे को एक अलग पूरे देश में एक अलग वो करने के लिए के मारने वालों को सहानुभूति मिल जाए कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था, वो काम किया गया इस पुलिस के द्वारा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर किसी पे कट्टा पकड़ा जा तो 4 घंटे में पुलिस उसका ऐसा इलाज कर दे कि वो थैन मतलब लंगड़ाता लिगड़ेगा, उसके घर के उसे कंधे में ले जाए ठहरा। और ये कत्ल वो 7 दिन से पकड़ रखा। हम ये पूछना चाह रहे योगी जी, पुलिस को तो छोड़ दो, पता काट दो कहां से ये मेन जो प्रकरण है, मेन यह है कि ये सर कहां रखा था इस तरह,
सुरक्षित कहाँ रखा था, क्या वजह है और क्यों रख रखा था, इसके पीछे क्या कारण है। एक बहुत बड़ी जिसको उच्च स्तरीय जो है एक साजिश है हाथ है। और हमारा निवेदन है योगी जी से, वोट हमने आपको दे रखी, आपके चेहरे को दे रखी। अगर ऐसा ही हमारे बच्चों के धड़ का दाह संस्कार 8 दिन पहले और सरों का 8 दिन बाद होगा, और ये देख लो गांव की ग्रामीण महिलाएं बैठी हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा। दीपक त्यागी की हत्या मेरठ में हुई है, मामला आज का है, लेकिन मांगेराम त्यागी को अखिलेश सरकार के दौरान का मुजफ्फरनगर दंगा याद आ रहा है, क्यों वो भी समझिए। चुनाव नजदीक होता तो यही इसको ये भुनाने का काम करते, जिस तरह की मुजफ्फरनगर गौरव और सचिन के ऊपर इनकी सरकार केंद्र सरकार में हुई और यहाँ भी बनी। तो हम तो यही कहना चाह रहे, ज्यादा हम बोल भी नहीं, योगी जी से देख लो, मोदी जी से देख लो नीचे क्या हो रहा है, आप वहां बैठे क्या क्या वादे कर दे कि आखिर ये हो क्या रहा, आखिर कहाँ गए में संगठन हिंदू संगठन, आखिर कहाँ गए में भाजपा के जो होना जो बड़े बड़े एमपी एमएलए हैं, यहाँ जो होना लगभग इसको 24 घंटे हो गए, क्या अब तक योगी जी को या यहाँ के एमपी एमएलए को नहीं पता, क्यों नहीं आए, ऐसी क्या कारण है। दीपक त्यागी के घर से लेकर इस खेत के बीच में दीपक मर्डर की गुत्थी है। पुलिस दावा कर रही है गुत्थी सुलझ गई है, आरोपी जेल में है, लेकिन परिवार और इलाके के लोग जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दीपक त्यागी के आरोपी की लड़की से संबंध को नकार रहे हैं। दो आदमी दिखाए हैं जो कि उनको तो ऐसी दवा के वो लेकर भागा चला जाएगा, और मरते टाइम आदमी के अंदर कितनी ताकत आ जाती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जो दिखाया मनगणत कहानी है, जब डॉग स्क्वाड यहाँ से सारे में ढूंढ के चला गया, ठीक जी साहब, और उसके बाद भी सब लोगों ने यहाँ देखा आने जाने के बाद भी, और जब उन्होंने 24 घंटे का पुलिस ने टाइम दिया कि हम आंदोलन करेंगे, उनके फादर ये बोले दीपक के कि हम आंदोलन करेंगे, वो चीज करते हुए फिर 24 घंटे में कैसे मिल गया, 8 घंटे भी नहीं लगे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर फहमिद और आसिफ नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये दावा है कि फहमिद जो है उसकी एक शादीशुदा बेटी थी जिसका संबंध दीपक त्यागी से था, और इसी का बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची गई। लेकिन गांव के लोग और परिवार के लोग जो हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक कहानी बनाई है पुलिस की तरफ से, पुलिस ने कहानी बनाई है, इस मामले के अंदर कोई साजिश हो सकती है, जिसके लिए परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।